मम्मी कल के वाकये के बाद एनी उमर को अम्मी के घर छोड़ने चली गई। उसे मेरी नियत पर शक है। फौजिया कहाँ है? हाँ, फौजिया भी उसी के साथ गई है। क्या? यानी कि मैंने फौजिया को उस घर के लोगों की खिदमत के लिए रखा था? मम्मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि एनी मुझ पर यकीन ही नहीं कर पा रही, और यहाँ तक उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। बुरी तुम नहीं हो, वो जरूरत से ज्यादा चालाक है। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी माँ भी उसे शह देती है इन सब बातों के लिए। अम्मी के अलावा इस घर में भी एनी के हिमायती हैं मम्मी, और आप इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है। तुम जाओ, आने दो इसे, पूछती हूँ। एमल की कॉल है। कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की। अगर उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम उसकी परवाह क्यों करें? मैंने कल इस लड़की को कितने फोन किए लेकिन इसने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई, और अब देखें, अब कर रही है मुझे कॉल। क्या हो गया, ये लोग फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? ये क्या, अब इसने आपके नंबर पे फोन करना शुरू कर दिया? मुझे तो इस बच्ची की कुछ समझ नहीं आ रही, छत बदल गई है। अपनी बहन के साथ इस किस्म का रवैया समझ से बाहर है। वो हनी क्या चाहती है? तुम तो उसकी बहन के सर पे अब खावंत का साया भी नहीं रहा। अब छोड़ें इसे, फोन ना उठाएं, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी। अब अम्मी मेरा फोन भी नहीं पिक करेंगी। तुम एमल को यहां पर बुलाओ और उसे समझाओ कि वो बहन का ख्याल रखे, साथ दे अपनी बहन का। शादी से पहले उसने हमसे ये वादा किया था, अब वादा खिलाफी क्यों कर रही है? ठीक है, मैं बात करूंगी उससे।